मंदसौर जिले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के पैतृक गांव गुराडियाल में हुई है। ठिकानों पर हुई मामले को लेकर ईओडब्ल्यू डीएसपी अजय केतवास ने बताया कि ईओडब्ल्यू विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर पूर्व पंचायत सचिव दिनेश चंद्र शर्मा के पैतृक गांव गुराडियाल मुहा दरोला इंदौर भोपाल में कार्रवाई की गई है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। बता दें कि गौरतलब है कि छापेमार कार्रवाई में 3,50,000 रुपए के आभूषण, 42,000 की नगद राशि, वहीं पैतृक संपत्ति कृषि से आय 38 से 40 लाख है। इसके अतिरिक्त 2,61,41,000 अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार कर अर्जित करने का भी आरोप है। इसके साथ ही उनके 16 बैंकों के खाते भी खंगाले गए हैं। इस कड़ी में कार्रवाई से पूर्व ईओडब्ल्यू विभाग द्वारा माननीय न्यायालय से वारंट जारी कर कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे हैं और जेल के साथ साथ जिला बदर की कार्रवाई भी हुई है। सोनी साहब, ईओडब्ल्यू उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर उन्होंने फ्लैट और जमीन ले रखी है। श्री दिलीप सोनी साहब, श्री शुक्ला जी निरीक्षक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित किया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। सूचना सही पाई गई कि श्री दिनेश शर्मा ने भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। उस सूचना के सही पाए जाने पर प्रकरण सूचीबद्ध किया गया।